हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक नया टॉपिक दिखाने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू अप्लाई न्यू वोटर कार्ड इन ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन में आप लोग कैसे न्यू वोटर कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है, कैसे जो अप्लाई प्रोसेस है, तो आप लोग कैसे करोगे, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के एंड तक देख लीजिए और वीडियो पसंद आने से वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर पहली बार मेरा चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसा ही हेल्पअप कंटेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, धन्यवाद। पहले आप लोग कोई भी सर्च बार ओपन कर लीजिए। मैं सिंपली गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए जो गूगल का सर्च बार है, इधर लिखूंगा NVSP। लिखने से अब जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, देखो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर जाकर भी डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हो। तो इसमें हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है, देखो नीचे लॉगिन एंड रजिस्टर, इसी लॉगिन एंड रजिस्टर ऑप्शन में, इसी के नीचे लॉगिन एंड रजिस्टर ऑप्शन शो हो रहा है। पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लो। उसके बाद देखो थर्ड नंबर ऑप्शन में शो हो रहा है वोटर पोर्टल। वोटर पोर्टल ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। मैं सिंपली क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद इधर भी सेम प्रोसेस में आपको क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन में जाके मोबाइल नंबर देके OTP वेरीफाई करने के बाद आपका पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद इसको आप यूज़र आईडी और पासवर्ड इधर सिंपली एंटर कर दो। एंटर करने के बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है सॉल्व द मैथ्स एंड एंटर, मैप्स को सॉल्व करके इधर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो लॉगिन ऑप्शन शो हो रहा है, लॉगिन ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर दो। मैं मैथ को सॉल्व करने के बाद इधर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद लॉगिन ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों का सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इसी में हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी इधर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दो। मैं सिंपली इधर क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद देखो ऐसा पॉपअप शो हो रहा है, उत्पल माय नेम इज वोटर मित्र। उसके बाद लेट स्टार्ट जो ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें अभी देखो ऐसा करके इंटरफेस शो हो रहा है। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, देखो नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी, और उसको बगल में दिख रहा है देखो आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं सिंपली इसी में क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड को अप्लाई कर रहा हूं, तो सिंपली मैं इसी में क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद सेव एंड ऑप्शन जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में हम, उसके बाद देखिए आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं पहला जो ऑप्शन शो हो रहा है येस आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं इसी ऑप्शन में रख के जो एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे लेके जाऊंगा। तो मैं इंडियन से हूँ, तो इसलिए मैं इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ आप लोग देख लीजिए, ऐसा करके इंटरफेस शो हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इधर जो एप्लीकेंट का प्लेस ऑफ बर्थ है तो इधर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद सिलेक्ट स्टेट जो ऑप्शन हो रहा है, इधर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे शो हो रहा है देखो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को आपको आधार कार्ड को देना पड़ेगा अगर आपके पास आधार कार्ड है। तो मैं इसको आधार कार्ड के रख के इधर जो अपलोड ऑप्शन शो हो रहा है उसको नीचे एक ऑप्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इधर आधार कार्ड को सिंपली सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो आधार कार्ड का फाइल नेम है उसको आपको रीनेम करना पड़ेगा। जो फाइल का नेम आधार कार्ड रख के उसको सिलेक्ट फाइल टू अपलोड ऑप्शन में मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इधर जो आधार कार्ड था वो मेरा सामने ऐसा करके चला आया। तो उसके बाद देखो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड एसी फ्रॉम व्हिच यू विश टू अप्लाई फॉर वोटर आईडी। मैं इधर सिलेक्ट स्टेट जो ऑप्शन है इसमें मेरा जो स्टेट था इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखो नीचे जे, उसके बाद जो बगल में ऑप्शन शो हो रहा है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को इधर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इधर मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ पश्चिम मिदनापुर। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको गूगल में सर्च कर लो। गूगल में सर्च करने के बाद आपको जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इधर देखो आपका पर्सनल डिटेल्स जो है इधर पूछा जा रहा है। इधर अपलोड पिक्चर पहला जो ऑप्शन शो हो रहा है, अपलोड पिक्चर मैं क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा को जो वोटर आईडी में जो तस्वीर या पिक्चर लगानी है तो इसी में जाके हम लोग पिक्चर को अपलोड करेंगे। ये जो पिक्चर है 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर में रेशियो में रख के जो इमेज है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो इमेज पहले से सेव करके रखा हूँ मेरा डेस्कटॉप फाइल में, तो इसी में एक इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो ओपन ऑप्शन शो हो रहा है मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अभी देखो इधर जो इमेज है, इमेज का जो फेस एकदम अच्छा से लेना है आपको। उसके बाद जो क्रॉप ऑप्शन शो हो रहा है, क्रॉप ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। मैं इसको ड्रैग करके जो इमेज का जो पार्ट है, मेरे फेस का जो पार्ट है, मैं इसको निकल लिया। निकलने के बाद क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो अपलोड ऑप्शन शो हो रहा है, अपलोड ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करके जो इंटरफेस शो हो रहा है। ये देखिए ये जो अपलोड पिक्चर जो
पोर्शन है उस ऑप्शन में मेरा जो इमेज था वो चला आया। उसके बाद नीचे शो हो रहा है देखो एंटर योर नेम, यानी कि एप्लीकेंट का जो नेम है इधर आपको डालना पड़ेगा। मैं इधर जो एप्लीकेंट का नेम है, मैं एक फीमेल का इधर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इधर जो नेम है मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी इधर जो एप्लीकेंट का नेम है, इधर पहले जो नेम है, पहले नेम ऑप्शन में आप लोग एप्लीकेंट का नेम एंटर कर दीजिए। उसको नीचे देखो एंटर योर सरनेम इफ़ एनी, यानी कि एप्लीकेंट का जो सरनेम है ये आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। इधर आपको इंग्लिश में लिखने से आपको जो रीजनल लैंग्वेज है, आपका जो रीजनल लैंग्वेज वो अपने आप ही इधर शो हो जाएगा। तो मैं इधर जो नेम था एप्लीकेंट का इधर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद नीचे जो सरनेम है, सरनेम में मैं भी उसको जो एप्लीकेंट का सरनेम है मैं इधर एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी इधर आपका जो एप्लीकेंट का सरनेम है इधर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है देखिए, यस आई हैव आधार नंबर, मैं इसी में सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो आधार नंबर था मैं आधार नंबर को इधर एंटर कर दूँगा। एप्लीकेंट का आधार नंबर इधर एंटर करना पड़ता है, मैं इधर आधार नंबर को एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी आपका जो आधार एप्लीकेंट का आधार नंबर है इधर एंटर कर देना। मैं सिंपली इधर आधार कार्ड को एंटर कर दिया हूँ। एंटर करने के बाद जो नीचे शो हो रहा है देखो डिजेबिलिटी इफ एनी ऑप्शनल, अगर एप्लीकेंट डिजेबिलिटी में आए तो इधर आपको सिलेक्ट कर लेना जो कौन से पार्ट उसका डिजेबिलिटी है। तो इसको मैं फीमेल रख के, मेल नहीं फीमेल रख के मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू जो ऑप्शन शो हो रहा है देखिए, मैं सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर दूँगा। आप लोग भी ऐसा करके फिल करके इधर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इधर शो हो रहा है देखो एंटर फैमिली मेंबर डिटेल्स, यानी कि आप आपका जो एप्लीकेंट है वो कौन सा फैमिली में जा रहा है उसी का फैमिली मेंबर में एक वोटर आईडी नंबर इधर एंटर करना पड़ेगा। अगर फीमेल हो तो मैं उसका हस्बैंड जो है हस्बैंड का वोटर एड्रेस यानी कि एपिक आईडी इधर एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी जो एप्लीकेंट है उसका फैमिली में जो भी फैमिली में जा रहा है तो इसी में आप लोग ये कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, इसका एपिक आईडी एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो जिसका एपिक आईडी मैंने एंटर किया था तो उसका नेम एंड सरनेम मैं इधर एंटर कर दूंगा। तो मैं इसका नेम और सरनेम एंटर कर रहा हूँ, आप लोग भी इधर नेम और सरनेम को एंटर कर देना। इसके बाद देखिए नीचे एक पॉपअप शो होगा आपको जो कैसे रिलेशन टाइप क्या है, मैं एक वुमेन का जो है एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो इसका मैं हस्बैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखो नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन शो रहा है, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसा करके इंटरफेस शो हो जाएगा, एंटर योर करंट डिटेल्स, यानी कि आपको इधर जो पर्सनल डिटेल्स था वो आपको फिल करना पड़ेगा। मैंने उसको फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद जो ऑप्शन शो हो रहा है देखिए, योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द मैप, आप मैप पे भी देख सकते हो जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उसके बाद देखो सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ, इसी ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा आधार कार्ड को। मैं इसको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है इधर एंटर अपलोड करने के लिए तो इधर आप सिलेक्ट करके आप लोग अपलोड ऑप्शन में जो ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, मैं सिलेक्ट फाइल टू अपलोड ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो फाइल था मैं ऐसा करके उसको अपलोड कर दिया हूँ। कर देने के बाद ऐसा करके इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में शो हो रहा है, आप दोबारा अपलोड ऑप्शन में क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, मेरा जो अपलोड किए थे वो सही है। तो इसको बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ऐसा करके डिक्लेरेशन फॉर्म इधर ओपन हो जाएगा। तो जो एप्लीकेंट है इसी एड्रेस में कब से रह रहा है तो इसका जो डिटेल्स था इधर फिल करना पड़ेगा। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ ईयर एंड मंथ हिसाब मंथ के हिसाब से मैं इधर एंटर कर दिया हूँ। एंटर करने के बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है देखो जनरल डिक्लेरेशन करके, इस इधर एप्लीकेंट का नेम इधर एंटर करना पड़ता है। मैं इधर एप्लीकेंट का नेम एंटर कर रहा हूँ। उसका बगल में देखिए प्लेस, आप जहाँ से भी ये एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसका एड्रेस इधर एंटर करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन शो हो रहा है, इसी बटन में मैं क्लिक कर दूंगा। मैं इधर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो फॉर्म था एप्लीकेशन का फॉर्म वो ऐसा करके ओपन हो गया। आप इसको अच्छे से प्रीव्यू कर लो। प्रीव्यू करने के बाद आपको लग रहा है गलत है तो इधर एडिट फॉर्म ऑप्शन में लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, तो इधर में जाके आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद सबमिट ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद मेरा एक सामने पॉपअप शो हो रहा है देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसको कैसे मैं चेक करूंगा, तो इसका जो रेफरेंस आईडी था मेरा मोबाइल पे आ चुका है। तो मैं एक बार NVSP पोर्टल में जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर जो एंटर रेफरेंस आईडी शो हो रहा है मैं इधर रेफरेंस आईडी को इधर एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो सिलेक्ट स्टेट ऑप्शन शो हो रहा है मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा चूज करके।
उसके बाद जो ट्रैक स्टेटस ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए ट्रैक स्टेटस, मैं ट्रैक स्टेटस ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। मैं सिंपली जो स्टेट था उसको सिलेक्ट करके ट्रैक स्टेटस ऑप्शन को क्लिक कर लिया हूं। तो ऐसा करके इंटरफेस शो हो गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना।